नमस्कार विजय, कैसी न्यूज़ आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आ रही है राजीव कॉलोनी के लगते साथ में बुढ़नपुर गांव से, जहां पर आपको दिखाएंगे किस तरह से जो नगर निगम है वो अपनी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। रेड़ी फड़ी वालों के ऊपर जो है बनती कार्रवाई करते नजर है। लेकिन आपको बता दें कि बुढ़नपुर में जब सूचना मिली कि रेड़ी फड़ी यहाँ लगाई जाती है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती, तो यहाँ पर प्रशासन जो है पहले पहुँचा, लेकिन उससे पहले ही सूचना मिल जाती है रेड़ी फड़ी वालों को और रेड़ी फड़ी वाले जो है बुढ़नपुर से तो गायब हो जाते हैं। वहीं पर इसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जब इंदिरा कॉलोनी की तरफ पहुंचे तो वहां पर जो रेड़ी फड़ी जो रोड के ऊपर लगी पाई गई, उन सभी रेड़ी फड़ी वालों के चालान भी काटे गए और वहां पर कुछ रेड़ियों को जब्त भी किया गया। आपको दिखाएंगे पूरा मामला, बने रहे हमारे साथ। वहीं जब मौके पर निगम के अधिकारी पहुंचते हैं और वहीं पर जो रेड़ी फड़ी वाले लोग हैं वो निगम के आगे हाथ पैर जोड़ते नजर आए कि आगे से हम इसको रेड़ियां यहां पर नहीं लगाएंगे, लेकिन आज हम पे कार्रवाई ना की जाए। लेकिन प्रशासन के अधिकारी और निगम के अधिकारी जो हैं वो लगातार चालान काटते नजर आए। तस्वीरों में देखिए पूरी तस्वीर, सामान उतार कर नीचे रख दिया गया। रेड़िया से सामान उतारने के बाद जो लोग हैं वहाँ पर बिलखलाते रहे और प्रशासन के आगे गुहार करते रहे कि आज हमें छोड़ दिया जाए, रेड़ियाँ जो है वो छोड़ दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो उन पर होती रही और चलानिंग भी हुई। और जिस तरह से आप दिखाएंगे किस तरह से लोगों को जो जो सामान जो रेड़ी फड़ी जो हैं उन्होंने जो रोड के ऊपर आगे दुकानें लगा रखी थी उन सबकी दुकानें वहाँ से हटवाई और प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई भी करी। वहीं पर आपको बता दें कि जिस तरह से जो कार्रवाई कर रही है अब, जिसमें से रेड़ी फड़ी है, जिनकी रेड़ी फड़ी जो है वो प्रशासन उठा रहा था, निगम उठा रहा था, लेकिन जब चलान की बात आती है तो चलान अगर जो नहीं भुगत रहे थे, चलान जो नहीं करवा रहे थे, उनकी जो सामान है उनको सामान को जब्त किया जा रहा था। लेकिन जो चलान भुगत रहे थे, देखिए आप किस तरह सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करवाया जा रहा था और इंसिडेंट कमांडर के मौके पर मौजूद होने के साथ उनके सामने ही सारी कार्रवाई बनती है। वहीं पर जिनके चलान नहीं कटते हैं और कुछ लोग जो वहाँ गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन प्रशासन जो है अपनी कार्रवाई में सख्त नजर आया। राजवीर सिंह, नगर निगम पंचकूला। जो आज के ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने प्लान की कि यहाँ जो बुढ़नपुर में गुरुद्वारा है वहाँ अनऑथराइज मंडी लग रही है। वहाँ कई बार पुलिस प्रशासन ने और हमारी टीम ने भी इनको वार्निंग दे चुके हैं, कोविड के जो नियम हैं उनको फॉलो नहीं हो रहा, इनको मद्देनज़र रखते हुए कि बीमारी न फैले। जो आज के ड्यूटी मजिस्ट्रेट उन्होंने प्लान की कि वहाँ पुलिस प्रशासन के साथ जाएं और कुछ रेड़ियों को उठाएं और लोगों को कोविड के बारे में जागृत करें। कितनी रेड़ियाँ उठाई हैं अभी? हमने यहाँ से 2 रेड़ियाँ उठाई हैं और 3 चलान करें। सर, चलान की जो कीमत है वो कितनी है? वो मिनिमम 500 रुपीज़ हैं। ओके है, और ये इसलिए करना पड़े हमने क्योंकि हम कई बार वार्निंग दे कर जा चुके हैं, इन्होंने जो वार्निंग है चेतावनी दी है उस पर कोई अमल नहीं किया और इसलिए हमने मजबूरन होकर उठाया। गुरुद्वारे के पीछे की बात कर रहे हैं, वहाँ तो आपकी सूचना पहले ही मिल गई थी कि वहाँ पे निगम सूचना ऑलरेडी, पुलिस प्रशासन के 2 राइडर रहते हैं हैज पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, और सूचना हमारी नगर निगम की गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने आ गई थी। हो सकता है किसी बंदे ने उन्होंने देख लिया होगा, इतनी तो जागृति अवेयरनेस इन लोगों में भी है कि गाड़ी आ चुकी है और ये इनका कुछ न कुछ प्लान है। सर, आगे का प्रोग्राम है सर? आगे अभी इसके बारे में कोई बता नहीं जा सकता, जब प्रशासन के आदेश आएंगे बगैर बताए हम इस पर अगले कार्रवाई करेंगे, जब भी जैसा भी होगा, अभी एकदम इमीडिएट नहीं कुछ कहा जा सकता। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, क्या यहाँ पर जो आपने कार्रवाई कराई है सर, पूरा मामला बताएंगे सर क्या है पूरा? देखिए, इनको काफ़ी बार वार्न कर दिया था हमने पहले भी कि तुम यहाँ पे रेड़िया मत लगाओ, फड़िया मत लगाओ, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे थे, इसलिए आज प्रशासन ने कार्रवाई करी है ताकि कोरोना काल में हम लोगों को बचा सके और रास्ता भी क्लियर मिल सके पब्लिक को। सर, कितने चलान कटे और कौन सा एरिया है सर वैसे? ये इंदिरा कॉलोनी है, यहाँ करीब करीब 600 चलान कटे हैं। ठीक है, आगे का सर कोई जिस तरह प्लान की बात करें, क्योंकि रेड़ी फड़ी की बात करें तो सर पूरे इलाके में काफ़ी जगह रेड़ी फड़ियाँ हैं, मुहिम चलती रहेगी। बुढ़नपुर की सूचना मिली, वहाँ से लोग पहले ही मतलब गायब हो गए। बुढ़नपुर दोबारा भी करेंगे रेड, हम जल्दी करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी।